अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फ़ाद शहबाज खान। यौम पाकिस्तान के मौके पर बाबा कायद के नाम एक मर्द ना तवां आया तवां देकर गया, कौम को बेताबी अज़म जवान देकर गया। ज़्यादा आज़ादी गुमगश्ता का पाकर सुराग, राहबरों को मंजिल नौका निशान देकर गया। और अब्र रहमत की तरह बरसा वतन की खाक पर, इस ज़मीं को एतबारे आसमां देकर गया। सर, पैगाम है आज आपका यौम पाकिस्तान के हवाले। मेरा पैगाम तो यही है कि 23 मार्च को जो हुआ था वो पहले हम अपनी कौम को बता लें कि ये एक बहुत ही तारीखी और बुनियादी दिन था, जिस दिन दुनिया के अंदर एक नज़रियाती ममलिकत के लिए बरसगीर के कुछ नुमाइंदों ने जमा होकर ये रिजॉल्व किया था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको हम एक वतन बनाएंगे। और ये मैं नहीं समझता कि दुनिया में ऐसी कोई नज़रियाती ममलिकत इस तरह मार्ज वजूद में आई हो कि 7 साल के अंदर अंदर, यानी उसकी करारदाद से लेके आज़ादी तक, ऐसी बलबला अंगेज़ क़यादत किसी को नसीब हुई हो। मोहम्मद अली जिन्ना जैसी, जिसने ये नामुमकिन काम दुनिया के अंदर करके दिखा दिया कि पाकिस्तान दर हकीकत एक फिक्र, एक नज़रिए के ऊपर बना है, और बना है एक फलाई रियासत बनने के लिए। जो 72 बरस में अभी हम ज़रा टमक नहीं मार रहे हैं, पहुंच नहीं सके हैं अपनी मंजिल के ऊपर, तो सबसे पहला काम आज ये है कि हम अपनी नस्ल को बताएं 23 मार्च क्या है। मैंने मेम्बरान असम्बली की अभी सुन रहा था एक क्लिप के अंदर, उन्हें ये नहीं पता कि 23 मार्च क्या था, वो करारदाद क्या थी, किसने पेश की। कोई कह रहा है जी मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की, कोई कह रहा है अल्लामा इकबाल ने पेश की, कोई और नाम ले रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि ये मौलवी फजल हक ने पेश की थी, और करारदाद के अंदर अभी पाकिस्तान के लफ्ज़ का जिक्र नहीं था, ये जिक्र था कि उन मुस्लिम इलाकों में कि जहाँ पर अक्सरियत, इसलिए दो हिस्से थे इसके। ये भी हमारी आइंदा नस्ल को पता चलना चाहिए कि 1000 मील के फासले के बावजूद दो हिस्सों में पाकिस्तान बना था। अगर नज़रिए के अलावा कोई चीज़ होती कभी ना, कभी ना ज्योग्राफिकली। और ये भी साथ ही बता दें कि जब आप बेइंसाफी रहेगी तो मुल्क दो लख्त हो गया, इसलिए बुनियाद है इंसाफ। हर मुआशरे की बुनियाद तारीख के अंदर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि इंसाफ है। अगर मुआशरा इंसाफ की बुनियाद पे तामीर होगा तो मुस्तहकम होगा। ये आज का मैसेज है। दूसरा जो यौम पाकिस्तान है, इस पे कश्मीरियों के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? जी, कश्मीर जो है इट इज़ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। यू कैन नॉट से पाकिस्तान इज कम्प्लीट अनटिल यू नो ऑक्युपाइड कश्मीर, द कश्मीरीज दे आर गिवन द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर तो उन्हें हक़ खुदरादियत मिल जाता है और वो पाकिस्तान को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस दिन पाकिस्तान कम्प्लीट हो जाएगा। उनकी जो अपनी जद्दोजहद है उसको सल्यूट करना चाहिए, और आलमी बरादरी जो इस वक्त डम डेफ एंड डम है उसको आँखें खोलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए कि पाकिस्तान क्या था और क्या कश्मीर है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता पाकिस्तान की तकमील होना। पाकिस्तान के हवाले से जो अदम बर्दाश्त का कल्चर फ़रोग पा जाता है, लोग लोगों के नज़रियात का एहतराम नहीं करते और दूर दूर हो जाते हैं, इन इख्तलाफात को भुला कर किस तरह करीब किया जा सकता है, रवैयों में इश्ताल अंगेज़ी को निगेट कैसे किया जा सकता है, ये वो सारे हलतल मौजूदात हैं, इन पर क्या कहें? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह बर्फ़ चोटी से पिघलती है ना, जो आपकी लीडरशिप है अगर वो इंतहा पसंदी का दर्स ना दे, वेदर वो आपकी तालीमी लीडरशिप है, वो आपकी सियासी लीडरशिप है, वो अपनी मिलिट्री लीडरशिप है, ये डिपेंड करता है आपकी जो एलीट, जो आगू हैं इस मुआशरे के, अगर वो ये नफरत का दर्स देंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा। और अगर सब रिस्पॉन्सिबल जो मुआशरे के इकाइयाँ हैं वो लोगों को टॉलरेंस का सबक देंगे तो टॉलरेंट मुआशरा होगा। यानी मैं नहीं समझता कि आपने सवाल किया तो इसके जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का जिक्र ना किया जाए, बिकॉज उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि टॉलरेंट सोसाइटी क्या होती है, किसी के दुख दर्द में कैसे शरीक हुआ जाता है, किसी यानी उस बहस को उन्होंने इतनी तेज़ी से आगाज़ कर दिया है जो गुज़श्ता 40 साल से इस दुनिया के अंदर हो रही थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो पेंट करते थे कि जो मुस्लिम हैं वो सिर्फ इंतहा पसंद है, लेकिन हालात ने साबित किया, मैंने बताते थे कि डू नॉट अटैच रिलीजन टू टेररिज्म। आज उनको समझ आई है कि इसका कोई ताल्लुक जो है वो मजहब से नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल कदर बात है।
अच्छा, आखिरी बात ये कि बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस ने हमारे इधर शहादतें पेश की फौज की जानिब से सिविलियंस, और यौम पाकिस्तान इस पाकिस्तान की इसकी मजबूती के लिए, इसके तहफ़ के लिए ये सारी शहादतें हुई, क्योंकि वार ऑफ टेरर के नाम पर बहुत बड़ी जंग भी यहाँ मुसल्लत थी। उन सारे लोगों को आप आज के दिन किस तरह याद करेंगे? एक फ़िक्रे में अगर आप इजाज़त दें तो मिसरा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, जो अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दे देता है उससे अजीम कोई हस्ती दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका मैडम डीसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा इवेंट और मैराथन करते हुए लोग पुरअमन तरीके से और यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाते हुए, क्या जज्बात हैं आपके? आप चूँकि लीड कर रही हैं सारी चीज़ों को, तो आज यौम पाकिस्तान पर क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप देखें हमारा स्लोगन जो है ना इस मैराथन का, वो है रन फॉर पीस। तो हम पीस का मैसेज लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया में कि जो पाकिस्तानी हैं तो पीस लविंग नेशन है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, और सब बहुत एक्साइटेडली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मैराथन का यही रिवाज होना चाहिए, ये पहले हुआ करता था लेकिन माजी से अब तक अगर आप देखें तो ये तवातर से हो नहीं पाता, तो ये आपके कोई ऐसी प्लानिंग मौजूद है कि इसको रेगुलर किया जाए? क्योंकि एक समत मिलती है, जो 1940 था 23 मार्च था वो बेसिकली इसलिए भी माइलस्टोन था कि एक समत थी, तय कर लिया था। तो मैराथन अगर आप रन फॉर पीस आप रेगुलर इसको रिवाज देंगे तो ज़्यादा बेहतरी। देखिए, जो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो सके ना वो होनी चाहिए, तमाम सिटीजन्स को इंगेज करना चाहिए इस सारी एक्टिविटीज़ में। बेसिक पर्पज़ भी यही था, जश्न बहारा चल रहा है आप देख सकते हैं, और जश्न बहारा में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रंगारंग एक्टिविटीज़ हैं, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑल्सो। और फिर 23 मार्च था, हमारे यौम पाकिस्तान है, आई एम वेरी एक्साइटेड। इस मुल्क की, इसकी तरक्की के लिए हम सब बहुत कमिटेड हैं, बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, और हमारा यही मैसेज है टू द न्यू जनरेशन कि इंशाल्लाह हमने इसकी पूरी तरक्की के लिए काम करना है और इसको आगे लेके चलना है। छोटे छोटे बच्चियाँ बच्चे जो घरों में बैठे इस वक्त आपको देख रहे हैं और उनके गालों पे फ्लैग्स बने हुए हैं और सारा दिन उन्होंने हेल्दी एक्टिविटी की है, उनको आप क्या पैगाम देंगी कि आज के दिन कम अज़ कम वो यौम पाकिस्तान पे क्या तय करें? कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें? देखें, पाकिस्तान जो है ना, मैं जो कुछ हूँ आज पाकिस्तान की वजह से हूँ, हम सब पाकिस्तान की वजह से हैं, और इसकी आन बान शान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो काम करना है बहुत डेडिकेटेडली कमिटेडली सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत के लिए और इसको पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए करना है। तो मेरा तमाम लोगों को यही मैसेज है कि आज के दिन ये तजदीद अहद का दिन है, और इस दिन वादा करें कि हमने जो काम करने हैं अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए करने हैं, और इस इंशाल्लाह इसको सफ़े अपल में लेके जाना है और वहाँ जाके इसका नाम रोशन करना है। इमरान मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप भी कुछ दौड़े दौड़े आज मैराथन में, आप भी मौजूद थे? तो 5 दिन से इनके साथ दौड़ रहा हूँ, तो अभी तो दौड़ लगी हुई है। देखिए जी, ऐसी सिटी माशाल्लाह दौड़ के आए हैं, यहाँ पे ADC जनरल है, यहाँ पे हैदर काजमी साहब हैं, ADCR यहाँ पे मौजूद हैं, और अपने बच्चों के साथ आए हैं। आपकी बच्ची कितने? तो फ्लैग ड्रेस लेकर, अच्छा फ्लैग ड्रेस लेकर आए हैं। ये मैराथन का जो इनका मकसद है, ये मकसद एक ही है कि पॉजिटिव सोच और पाकिस्तान जो है वो पीस है और अमन का जो पैगाम देना चाह रहे हैं। ये सब यहाँ पर नज़ीर चौहान साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो है इसी मकसद को लेकर आए हैं और इंटीमेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है। मैराथन मैडम, मैं तो कहता हूँ कि एक माह बाद होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, शहरियों को एक नई तफरी मिलनी चाहिए। आज की जो आपकी मैराथन है, आपने तकरीबन 2012 में पहली हुई थी, डीजी स्पोर्ट्स ने करवाई थी, उससे पहले 2005 में हुई थी, आज 2019 में हो रही है, तो ये तीसरी मैराथन है। तो मैराथन तो इतने सालों बाद हो रही है, और आपने माशाल्लाह आज ज़िला इंतजामिया ने करवाया, आपके साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेला भी लगना चाहिए, इनको आपके साथ होना चाहिए, और हर महीने नहीं कम अज़ कम एटलीस्ट 6 माह बाद तो करवानी चाहिए मैराथन। बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा होनी चाहिए, और आज मैं बहुत सबका शुक्रगुजार हूँ जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये जैसे हमारे सारे रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, पॉलिटिशियंस, सब लोग आए हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तमाम लोग, और छोटे छोटे बच्चे भी इवन इसमें आए हैं। एक क्रेडिट देना चाहूँगा, यहाँ पे आगा सोरिश साहब की बेटी भी खड़ी हैं, और वरदा सोरिश वो फोकल पर्सन है, उन्होंने पिछले 6 दिन लगाए हैं तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मगर वो कैमरे पे नहीं आना चाहती, पता नहीं क्या है। थोड़ा सा आकर बताएं कि क्या, किस तरह से आपने इस एक्टिविटी को लेकर चली है, किस तरह से आपने चैलेंजेस, लेबर को भी बुलाया, भाई को भी बुलाया, सारी फैमिली को आपने इधर बुलाया हुआ है?
जी मैडम, क्या क्या चैलेंजेस फेस आपको करने पड़े? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि मैडम सारा की गाइडेंस थी तो कोई ऐसे जितने चैलेंजेस नहीं थे। इट हैज़ गॉन थ्रू वेरी स्मूथली। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग आए और इसको इवेंट को इतना सक्सेसफुल इवेंट बनाया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सर आपसे ये भी जानना है कि 23 मार्च था, उस दिन तय हो गया था कि करना क्या है, सम्मत मिल गई थी, तो आज के दिन यूथ, वो लोग, बच्चे, यहाँ बच्चे जो आपको सुनते हैं, देखते हैं, क्या आपका मैसेज होना चाहिए आज के दिन कि वो क्या वो चीज़ें तय करें जो एक सुलझे हुए माशरे की बुनियाद भी बने और वही चीज़ें फिर पाकिस्तान के तहफ्फुज की ज़मानत बने? देखिए, जो इस तारीफ़ पे उतरते हैं ना, जिन्हें आप जवान कह सकते हैं, यूथ, वो इस मुल्क के अंदर 14 करोड़ हैं, जो अपनी राय रखते हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं और जो ये समझते हैं कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर तरक्की करना है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि वो पहले सबसे समझ लें कि इस मुल्क की बनाए जाने के वजूहात क्या थी, पहली बात। दूसरी बात ये समझ लें कि जो लीडर थे यानी पाकिस्तान के बनाने वाले, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। मैं समझता हूँ कि एक अल्लामा इकबाल, जितना गाया जाता है उतना भी पढ़ाया नहीं जाता, और मोहम्मद अली जिन्ना, सिरे से हम उसे नहीं जानते कि वो क्या शख्सियत थी। और मैंने अभी सबको ये बात कही है कि हम अपने बुनियादी निसाबियात के अंदर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल कर लें, हम बच जाएंगे। इसके अलावा किसी को अगर आप कुछ करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप शिद्दत पसंदी से बचा सकेंगे, आप जितना तसाहुल है लोगों के अंदर उससे बचा सकेंगे, जिनके अंदर वो तरक्की की वो अर्जी नहीं है तो उन्हें पता नहीं चल सकेगा। लेकिन अगर लोग कायद आज़म को पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें डिस्कस किया जाएगा, उन्हें अपना हीरो समझा जाएगा, सिर्फ फोटोएं लगाने के लिए नहीं बल्कि उनकी तालीमात के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो 14 करोड़ लोग हैं ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना था। मेरा पैगाम असल उन्हीं लोगों के लिए है जो 18 से 35 साल की उम्र के अंदर है। मैंने बताया 14 करोड़ हैं इस वक्त, चुनाचे वो ये समझ लें कि ये उनकी मीरास है मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, और उनके हाथ में अगर हम कोई कामयाब नस्ल होते तो पाकिस्तान इन हालात में ना होता। आज़ादी जैसी इस नेमत को स्ट्रेंथ मजीद कैसे बनाया जा सकता है? मिशाल मलिक साहिबा का भी बयान था आज के, आपने अगर आज़ादी की कीमत पूछनी है, कदरों कीमत पूछनी है, इसकी मंजिलत पूछनी है, इसकी वैल्यू पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछें। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर तारीख पाकिस्तान की पढ़ लेना जिसमें पता चलेगा कि 10 लाख लोग कमोबेश इसके अंदर शहीद हुए, 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की, तो सबको समझ आ जाएगा कि इसकी कदर क्या है। असल में जो चीज़ है असल वो नहीं पढ़ी जाती ना पढ़ाई जाती है इन अय्याम के हवाले से, जो जिन्हें नेशनल डेज हम कहते हैं, चाहे 23 मार्च हो, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 21 अप्रैल हो, चाहे 9 नवंबर हो, चाहे 25 दिसंबर हो, जब तक, या 11 सितंबर हो, जब तक ये अय्याम के बारे में लोगों को आप पूरी तरह एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को समझ नहीं आ सकेगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जी बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एथलीट्स हैं, आप भी दौड़े जी? यस। तो क्या पोजीशन रही आपकी? सातवें नंबर पे, हम सब दोनों इकट्ठे ही आए हैं वैसे। अच्छा, मैं सातवें नंबर पे या आठवें नंबर पे? सामने वो दो लेके गाड़ी आगे दो आदमी को बैठा। टॉप कौन के टॉप पे कौन आए? सामने कम जी, वो दो सर कैसे आप? से भी पूछ लें सर, ये हमारे आप ही दौड़े थे जी? मैं भी दौड़ा। कितने नंबर पे आए आप? नंबर तो अभी ये पता नहीं, मैं 36 मिनट में मैंने कंप्लीट किया, इतना पता। 36 मिनट में। तो क्या यौमे पाकिस्तान पे क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम दूंगा कि ये हमारा पाकिस्तान जो है इसकी यूथ को बचाने का बेहतरीन तरीका स्पोर्ट्स ही है। स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स होती है, पाकिस्तान में ये इवेंट हुआ, बड़ी खुशी हुई है। इसके पहले मैं अगर मैं मैराथन दौड़ता हूँ 45 किलोमीटर, तो बाहर दौड़ने के जाना पड़ता है, दूसरे मुल्कों में पैसे ज़्यादा लगते हैं। यूथ को नशे से बचाने का इससे बड़ा हल कोई नहीं है। आप बच्चों को स्पोर्ट्स दें, सिविल स्पोर्ट्स के इवेंट कराएं, तो ये इससे पाकिस्तान की बेहतरी है, फ्यूचर है, यही फ्यूचर बचाएंगे आप तो पाकिस्तान बचेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब खैरियत से हैं। ये बच्चे अभी भागे सारे, आप भी दौड़े जी? जी, हमने कुछ पार्शल उसमें शमूलियत की है। सिम्बॉलिक? जी सिम्बॉलिक। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद अस्कियत। इधर आओ, कैमरे की तरफ आओ मेरा बेटा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3-4। फोर्थ में। तो यौम पाकिस्तान पे क्या पैगाम आप देंगे? कि हम पाकिस्तान को साफ रखें। साफ रखें। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? नबिया फातिमा। नबिया किस क्लास में हो? 1B में। तो कोई मिली नगमा आता है आपको? तो सुना दो अच्छा सा मेरा पाला बेबी। ऐसी जमीन और आसमां। गा के सुनाओ ना। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद हसन। क्या? मोहम्मद सईद हसन। सईद हसन। तो आप भी दौड़ लगाई आपने?
मुझे तो पता चला आप जीत गए हो, सबसे आगे आप ही थे, है ना? आपसे आगे कोई नहीं जा सका, इतना तेज कैसे भाग लेते हो? मैं बस भागता हूँ, मैं बॉल बैट भी खेलता हूँ। बॉल बैट भी खेलते हो? लेकिन मैं बॉल तेज का छक्का मारता हूँ, उड़के जाती है उधर। वो तो खिड़की तोड़ देती होगी साथ वालों की। नहीं, वो लेकिन वो डूब जाती है, हम कैच कर लेते हैं। ओए छक्का, लेकिन तुम दौड़ते बहुत तेज हो, है ना? पापा के काबू भी नहीं आते, इतना तेज ना भागा करो। इधर आओ मेरा बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शाहजहान। आपका क्या नाम है? आप भी दौड़े हो? दौड़ लगाई आपने? हाँ, कितना दौड़े? बहुत तेज दौड़े। पोएम आती है कोई? पोएम सुनाओ अच्छी सी। नहीं आती? क्या कहा इधर मेरे पास? आपको पोएम आती है? आपको नहीं आती पोएम? पाकिस्तान जिंदाबाद को? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बच्चे जी सारे, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप भी दौड़े? थोड़ा सा। किस क्लास में आप? टेंथ। टेंथ में, तो आपको कोई मिली नगमा आता है? हाँ। सुनाए सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी दौड़ खत्म हो गई? नहीं, थर्ड नंबर पे। थर्ड आई आप? नहीं। यौमे पाकिस्तान के हवाले से क्या आपका मैसेज है? तुम मिली नगमा आता है आपको? आता है। सुना दो मेरा बेटा। इस पर जम ईसाई तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर जम ईसाई तले हम एक हैं, हम एक हैं। आप भी साथ गाएं। अपनी खुशियाँ सांझी, अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। थैंक यू सो मच। आप नहीं भागे? क्यों, क्या हुआ? हाँ बेटा, किस नंबर पे आए हो? 13। 13वें नंबर पे? यस, पूरा पूरा जीत गए। तो आप स्लो भागे थे? फास्ट चल गया था। नहीं तो मेरा बेटा, खाना पीना अच्छा खाया करो ना। हैं, 13 नंबर पे आया हूँ फिर भी। बहुत अच्छा है ये तो। वैसे कितने लोग कुल टोटल कितने भागे हैं? ये आइडिया नहीं है, इस चीज़ का आइडिया नहीं। काफ़ी ज़्यादा भागे हैं ना? काफ़ी। 13 नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो इम्प्रूव हो सकता है। किस क्लास में आप? 10th के पेपर दिए हैं, मैट्रिक के पेपर। तो आपको कोई मिली नगमा आता है? थोड़ा। सुनाओ मेरा बेटा। शाइन हुई कबाल का मेरा घर है, घर की आल का हमें सीने में कुरान, मैं कायद का फरमान, मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। बहुत अच्छे जी।